एन अल्फा हेलिक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? हमेशा याद रखिए, जो अल्फा हेलिक्स है ना, राइट हैंडेड ऐसे करके, इस तरह से हेलिक्स होता है ये, और इसके अंदर ये किसका स्ट्रक्चर आता है, किसमें आता है ये आता है सेकेंडरी प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक तो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो कि अमीनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है ना? दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड, और अमीनो एसिड्स फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जो है, जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इट इज लाइक दिस, सो व्हाट विल बी द आंसर? सेकेंडरी। प्राइमरी तो एक नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन है, टर्शरी के अंदर तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी जो है वो मोर देन वन सब यूनिट से बनती है, तो यहाँ पर यूनिट एक ही है, हेलिक्स के फॉर्म में है, राइट हैंडेड हेलिक्स बनाया हुआ है मैंने, ठीक है ना? अल्फा हेलिक्स इसीलिए बोलते हैं, राइट हैंडेड है, ठीक है? इस तरह से मूव कर रहा है ये, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसके अंदर आंसर होना चाहिए सेकेंडरी प्रोटीन, सो इट विल बी द आंसर। सो टीचर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट DPP. थैंक यू सो मच.